जनक महाराज बड़े मशहूर ब्रह्म ज्ञानी समझ सन, एक साधु दे बड़े चेले सन, तो उन्हां च आकड़ आ गई बोल वाहिगुरु, सारे बोल वाहिगुरु, क्योंकि एक राजे पास एक राजा एक साधु पास गया कि मैनू फकीर बना लो, बोल वाहिगुरु। ओ कहंदे प्रेमिया जे तू फकीर बन गया तो किधरे बिल्ली कट के शेर ना दरबार नहीं, बोल वाहिगुरु। क्यों महाराज लिखिया है पढ़ पढ़ अखर भुलिए पेखी बहुत अपमान, बोल वाहिगुरु। पढ़ पढ़ के अखरां चुल जांदा है फेक करके हंकारी, बोलो सारे वाहिगुरु। तो गुरु के प्यारे हो इस वास्ते वो पेखी हो गए सन, अपमान आ गए जी कि हंकार मैं तोड़ लिया वा, जनक राजे पास लै गया। वो सारे उसके चेले नाल गए और उन्होंने जिस वक्त जनक दी पहला सी चांदी दौड़ी फिर सोने की बीरियां जोड़ी, वो अपनी आखिरी दौड़ी अपन चिपियां तो जिड़िया कपीना सन रख गए जिड़े स्नान करके आए सन कि आके लै लेंगे, सारे बोलो वाहिगुरु। जनक ने उनका अहंकार तोड़ना सी कुदरती भाणा वरता था क्योंकि महापुरखा का भाणा तो रब का एक हो जाता है। बैठे ही सन अजे 5 मिनट हुए सन, दरबार आ गया महाराज वो चांदी की दौड़ी तक आग पहुंच गई, महलों को आग लग गई, सारे बोलो वाहिगुरु। जनक का ढोल बैठा भला होया। उदे बाद 10 मिनट के बाद फिर दरबार, महाराज अब तो वो आग सोने की दौड़ी तक पहुंच गई, बोलो वाहिगुरु। जनक कहंदा भला होया, सारे बोलो वाहिगुरु। उदे बाद फिर आवाज आई कि महाराज हुण ते हीरियां दी दौड़ी देने आउण लगी हैगी है। जिस वक्त हीरियां दी दौड़ी नाल लिया ते ओह साधु अपनियां चिपियां ते पीना लैण वास्ते भज्जे, बोलो वाहिगुरु, गज के बोलो वाहिगुरु। जिस वक्त भज्जे उत्थे आ गए ते अग बुझ गई, बोलो वाहिगुरु, शर्मिंदे होए। तो गुरमुखो मतलब यह है कि दुनिया के पदार्थां जिसने मुक्ति मंगनी होए ते तन मन धन की मेहर छड्ड दे, बोलो वाहिगुरु। मेर की छड़नी अस दसवंद नहीं करते, गुरु खालसा जी, बोलो वाहिगुरु। ए पहली पौड़ी है कि सिखा नौ ऐसे करवास्त रख और दसवें सदे